हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल माई किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी चिकन। वैसे तो चिकन बहुत सारे स्टाइल में बनाई होंगी और खाई होंगी। आज मैं बनाऊंगी एकदम नए स्वाद में शाही चिकन कोरमा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए फटाफट शाही चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन कोरमा बनाने के लिए प्याज को कट कर लेंगी। लगभग हम 300 ग्राम प्याज को कट करेंगे। कोरमा में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगती है और कोरमा में खास इंग्रेडिएंट भी है प्याज। कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल भी गर्म है। अब प्याज डाल देंगी, इसे डीप फ्राई करना है। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी, इसे निकाल लेंगी। इसे ठंडे होने देंगी। अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने 2 लेग पीस लिए हैं, लगभग 600 ग्राम चिकन है। चिकन में डाल देंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच खट्टी दही। अब इसे मैरिनेट कर लेंगी। मैरिनेट कर लिए, अब चिकन को 1 घंटे तक कवर करके रख देंगी। 1 घंटे बाद कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। ये रिफाइन ऑयल है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं सिर्फ घी को छोड़कर। तेल में डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 2 टुकड़ी दालचीनी, 4 इलायची। इसे पहले भून लें, फिर डाल देंगे मैरिनेट की हुई चिकन और इसे लो फ्लेम में कुक करें। अब डाल देंगे 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, फिर बीच बीच में चलाते हुए कुक करें। अब डाल देंगे दही, पर उससे पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लें, फिर डालें कढ़ाई में, फिर कवर करके भूनें। अब 10 काजू में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें। काजू को डाल दें चिकन में। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगी, फिर से भूने चिकन को। इस चिकन को बनाने के लिए थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल ना करें, मैंने भी नहीं किए हैं। लगभग मैंने चिकन को 40 से 45 मिनट तक कुक किए हैं। अब प्याज बिरिस्ता को ग्राइंड करके डाल देंगे चिकन में। दो से तीन मिनट तक मिला ली, तो बस हमारा शाही चिकन बनके तैयार है। आज की शाही चिकन रेसिपी आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे चैनल में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए।